शॉपिंग करने गई थी और शॉपिंग करने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों से बातें कर लिया जाए, और बातें करते करते मैं सोच रही थी आप लोगों को ना अपार्टमेंट टूर करा दिया जाए अपना और कर ली जाए थोड़ी सी बातें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था, दीदी यहाँ पर यूक्रेन की वजह से क्या सीन चल रहा है, कैसे प्राइस है, रूम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सब चीजें और बताने वाले हैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें जो कि इंडिया से बिल्कुल अलग है। मैं आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका जो काम है वो कर लीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए चलते हैं, और आप देख सकते हैं मेरे मुंह से कितना धुआं निकल रहा है क्योंकि यहाँ पर -4 डिग्री हो रहा है। तो घर में चलते हैं और घर में जाते मेरे को सुकून मिल जाएगा, वो भी मैं बताती हूँ क्यों आपको। तो लेट्स गो। सो नॉर्मली ना आपको अपार्टमेंट्स के बाहर ना ऐसे लॉक्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना होगा रूम का, और जैसे आप पासवर्ड डालेंगे तो ये गेट एकदम से खुल जाएगा। तो चलिए पासवर्ड डाल देते हैं और अंदर पहुँचते हैं। तो जैसे कि आपने आवाज़ सुनी ना, देखो आवाज़ सुनते ही ये खुल जाएगा ऑटोमेटिकली, और ना ऑटोमेटिकली ये बंद भी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। नॉर्मली यहाँ पर जो फ्लैट्स में ना बहुत ज्यादा सहूलियत है क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट है। आपका जो फ्लैट है वो 10 मंजिल हो 11 मंजिल हो कोई मतलब नहीं है, लिफ्ट आपके साथ में है तो आप खुश है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे फ्लैट में लिफ्ट है यार। तो चलिए अभी एकदम से लिफ्ट खुल जाएगी और हम अपने घर पे पहुंच जाएंगे। ये खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल गई उलाला। तो जो रूम है वो नॉर्मली चाबी से खुलता है, इसमें कुछ ज्यादा खास बात नहीं है, तो खोल लेते हैं। आइए आपको दिखाते हैं मेरा अपार्टमेंट। सो अब मैं आ गई हूँ घर में, और घर में आते ही ना मेरे को मजा आ रहा है, गरम गरम सा महसूस हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बाहर -4 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, घर में इतना ज्यादा गर्म हो रहा है। तो इस गर्मी का राज है दोस्तों ये हीटर। तो नॉर्मली ना पोलैंड में आपको हर एक घर में, इवन हर एक रूम में आपको हीटर मिल जाएगा, बाथरूम किचन वगैरह सब में हीटर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना ठंड इतनी ज्यादा होती है कि आपको हीटर का इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। जैसे गर्मियों में हम पंखे यूज करते हैं ना, वैसे यहाँ पर हीटर का इस्तेमाल होता है। और बाहर -4 डिग्री हो रहा है तो मैं खिड़की देख के खोलती हूँ कि सच में -4 हो रहा है कि मुझे लग ही रहा है। वैसे -4 से भी ज्यादा डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, अब -6 डिग्री टेम्परेचर हो गया, और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पे ठंड, यहाँ पे गर्मी। तो बंद कर देते फटाफट से खिड़की। तो ये आप खिड़की देख रहे हैं ना, तो ये खिड़की जो है ना दोस्तों, ये आपको दो साइड से मिलेगी, लाइक ये इधर से बंद हो जाती है, ये बंद हो गई, और आपको ना ये ऊपर से भी बंद कर सकते, खोल सकते हो आप। देखो ये देखो, ऊपर से भी आप इसको खिड़की को खोल सकते हो। तो ये दो तरह की खिड़की है, ये नीचे से भी खुल जाएगी और ऊपर से भी खुल जाएगी। जादू है ना तो बंद कर देते हैं, अभी ठंड हो रही है, बंद हो गई ना। तो आपको पता है नॉर्मली विदेशों में ना झाड़ू कुछ इस तरह से मिलती है, और बहुत ज्यादा कभी कभी कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है क्योंकि हम लोगों को ना अपने इंडियन वाली झाड़ू से लगाने की आदत होती है, साफ करने की आदत होती है, और इससे कभी कभी साफ भी नहीं होता है यार जल्दी जल्दी। सो नॉर्मली मैंने किचन साफ कर दिया है, और ये देखिए आशीर्वाद का आटा मिलता है यहाँ पे, और ये मेरे खाने पीने का सामान, दूध, केक, चिप्स खाए, चिप्स, तेल वगैरह, ये सब चीजें। और नॉर्मली ना आपको फ्लैट में ना आपको सब चीजें यूज करने को मिलेगा, ये आप सब कुछ यूज कर सकते हैं, और आपको कुछ चार्ज वगैरह भी नहीं देना पड़ता है, सब कुछ फ्लैट में इंक्लूडेड होता है, रूम में इंक्लूडेड होता है, किचन बाथरूम वगैरह सब। ये देखिए डिशेस वगैरह भी आप यूज कर सकते हो, और ये जो गैस है ना वो लाइटर या फिर माचिस की हेल्प से नहीं जलती, आप नॉर्मली इसको ऐसे ही जला सकते हैं। देखिए ये दबाया और ये जल गई, तो मजे है ना। और ये है ओवन, पूरा इसमें पिज्जा विज्जा डालो और बना के खाओ मजे में। तो दोस्तों
आप मेरे पीछे ये टंकी देख पा रहे हैं ना, तो आप सोच रहे होगे कि यार इंडिया में भी सपना ऐसी टंकी होती है, इसमें क्या खास है। तो मैं आपको बता दूं, इस टंकी की खास बात यह है कि इसमें गर्म ठंडा दोनों तरह का पानी आता है, और इसमें बटन भी है, ग्रीन बटन रेड बटन। तो ग्रीन बटन शो करता है कि पानी ठंडा है, रेड बटन शो करता है पानी गर्म है। तो जब मैं बर्तन मांजती हूं तो मैं रेड बटन पे कर लेती हूं, क्योंकि ठंडों में अगर गर्म पानी में बर्तन मांजने को मिल जाए तो ऐसा लगता है कि भाई साहब पूरे दिन बर्तन ही मांजते रहो। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपना रूम, और देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये जो रूम है काफी बड़ा नहीं है, लेकिन एक बंदे के लिए सफिशियंट रूम है, और इसमें सामान जो है ना एक बंदे के लिए बहुत सफिशियंट है। तो आप देख पा रहे हैं सोफा, और उन्होंने दे रखी है मेरे को ये मेज, और प्लस एक और सोफा दे रखा है, प्लस ये जो बुक्स वगैरह रखने के लिए शेल्फ दे रखी है, और ना मेरे को कबर्ड भी दे रखी है, इसमें मैं अपने कपड़े वगैरह भी रख सकती हूँ, चार खाने की ये कबर्ड है बिल्कुल। तो आप सोच रहे होगे कि सपना केवल सोफे पे सोती है क्या, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है ना सोफा कम बेड है, आप इसको बेड भी बना सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप पोलैंड में आ रहे हैं या फिर किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो दूसरी विदेश कंट्रियों में ना ऐसे ही होता है, नॉर्मली हर अपार्टमेंट में हर रूम में आपको सोफा कम बेड मिल जाएगा। तो ये पता क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ना रूम वगैरह छोटे होते हैं, तो इसीलिए सोफा कम बेड देते हैं। तो आपको मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, तो लेट्स गो। चलते बाथरूम के अंदर, तो आप देख पा रहे हैं ये मेरा पूरा बाथरूम है। तो यहाँ पर ना ये बाथटब भी आपको देखने को मिलेगा, लाइक नॉर्मली आप बाथटब विदेश में देख सकते हैं। और ये देखिए, कपड़े सुखाने के लिए ना ऐसा सिस्टम बना रखा है, पूरा कपड़े आपको ऊपर ही सुखाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा स्पेस नहीं होता है लोगों के घरों में, तो लोग ऐसे ही करते हैं, बाथटब के ऊपर सीधा कपड़े सुखाने के लिए बना दिया है। वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, आप कपड़े डालिए और पानी चला दीजिए, नॉर्मली वॉशिंग मशीन धो के कपड़े सुखा के इवन दे देगी आपको। और ये पूरा मेरा बाथरूम है, थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन का वर्क रहता है, इनोवेशन का टाइम चल रहा है, आई थिंक बहुत पुराना सा हो गया है, मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं, सॉरी। मेरे को अपने रूम की सबसे अच्छी चीजें लगती है, तो मेरे रूम में ना बहुत सारी खिड़कियां हैं, 1, 2, 3, 4 खिड़कियां हैं। अगर मेरे को सफोकेशन वगैरह होती है तो मैं खिड़की खोल लेती हूँ, या फिर मेरे को अकेला फील होता है तो मैं खिड़की खोल के ना बाहर देख लेती हूँ। तो बाहर खिड़की खोल के बाहर देखने का नजारा कुछ अलग ही होता है। देखिए आप कितना सही नजारा आ रहा है, लाइटिंग और एकदम बढ़िया मस्त नजारा आ रखा है, और ये कार पार्किंग है पूरा बाहर, और मस्त व्यू है। और मैं आइस टी पी रही थी, नॉर्मली इंडिया में हम टी पीते हैं पर यहाँ पर आइस टी चलती है। तो मैंने आपको पूरा अपार्टमेंट टूर करा दिया। अपार्टमेंट टूर कराने के बाद अब मैं बात कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूक्रेन की वजह से कैसे यहाँ पर प्राइस का क्या सीन चल रहा है, रूम का क्या सीन चल रहा है। तो मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि क्या प्राइस है, और मेरा जो रूम है कितने प्राइस का मिल रहा है, या फिर आप आएंगे फैमिली के साथ आएंगे तो आपको कितने प्राइस में यहाँ पर रूम मिल जाएगा। तो चलिए कैमरा रख देते हैं पूरा इस तरह से, और आई होप मैं आपको दिख रही होंगी। यस, मैं आपको दिख रही हूँ, और ये कपड़े वगैरह साइड में कर लेते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली जो यहाँ पर प्राइस चल रहा है ना, वो सिंगल बंदा अगर आएगा, मतलब सिंगल बंदा रहेगा, तो नॉर्मली वो 2000 जलोटी चल रहा है, 2000 जलोटी इंडियन करेंसी में बात करूं तो मैं 35,000 इंडियन करेंसी में आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो अपार्टमेंट में आपको ना सिंगल नहीं मिलेगा, आपको ना चार लोगों के साथ में ये अपार्टमेंट मिलेगा, लाइक अलग अलग कमरे में चार लोग रहेंगे आपके साथ में, और आपको शेयर्ड किचन मिल जाएगा, बाथरूम मिल जाएगा, उसकी जो रेंज है आपको मैंने बताई दी है। तो ये जो मतलब अपार्टमेंट आपको रूम मिलेगा, वो आपको बिल वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके मिलेगा, लाइक बिजली का बिल और खाने और पानी का बिल पूरा इंक्लूडेड करके मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फैमिली का जो रेंट है वो कितना होगा। तो आप अगर आप फैमिली के साथ में आ रहे हो और आपको खुद का ओन अपार्टमेंट लेना है, तो वो 4000 जलोटी का आपका मिल जाएगा, लाइक पूरा सब कुछ इंक्लूड करके, और बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब कुछ इंक्लूड करके आपको 4000 जलोटी का मिलेगा। 4000 जलोटी मतलब 75,000 इंडियन करेंसी में। तो अब बात कर लेते हैं कि यूक्रेन की वजह से क्या सीन चल रहा है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, यूक्रेन की वजह से ना यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड यहाँ पर आ गया है, लाइक बहुत सारे लोग आ गए हैं यहाँ पर, और उसकी वजह से यहाँ पर नौकरी वगैरह मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है, और नौकरी के साथ साथ यहाँ पर
रूम अपार्टमेंट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गए हैं। इवन यहाँ पर मिल भी नहीं रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुई है और जगह रहने के लिए बहुत कम है। इसकी वजह से ना बहुत ज्यादा कॉस्ट हाई कर दी है। लाइक पहले जो था ना वो 1000 जलोटी सिंगल लोग के लिए था और 3000 जलोटी फैमिली के लिए था, और अब 2000 जलोटी सिंगल के लिए हो गया और 4000 जलोटी फैमिली के लिए हो गया है। तो आप तो डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज्यादा हाई हो गया है। आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर ना पोलैंड यूक्रेन को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। इवन पोलैंड की मेट्रो के बाहर आपको पोस्टर्स दिखने को मिल जाएंगे यूक्रेन, लाइक वी सपोर्ट यूक्रेन। और यहाँ पर ना मोस्ट ऑफ घर के बाहर यूक्रेन का झंडा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस वजह से ना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्ड पड़ रहा है यहाँ पर रहना, क्योंकि यहाँ पर रेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा हो रखा है इस लाइक वॉर के चक्कर में। तो ये सब चीजें यहाँ पे बेसिकली चल रही हैं। थक गई हूँ और खत्म करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और अब मैं वीडियो को एडिट कर देती हूँ और कल सुबह तक आपके लिए वीडियो आ जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूले। और मैं अब वीडियो को एडिट कर लेती हूँ, शाम के नहीं रात के 10 बज रहे हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा वीडियो एडिट करके कल सुबह तक की वीडियो अपलोड हो जाएगी आप लोगों के लिए। सो अभी फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 7 और मैंने वीडियो वगैरह एडिट कर दिया, रात में एडिट कर दी थी और मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड करने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।